Thank you.
शांत हो जाए और
मिनट तक मेरी बात सुने और उसके बाद मध्यान्ह काल का विश्राम करें और उसके बाद 4 बजे से फिर इस मंडप में आ जाएं और कथा का श्रवण करें। यही ना? हाजी हाजी। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का क्या फल है ये तो रहने दो। जो कोई सुनने की इच्छा करता है प्रेम पूर्वक प्रबल उत्कट अभिलाषा सुनने की जिसके मन में इच्छा होती है उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। समान विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे भगवान श्री कथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन उसके करने से यदि भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। भगवान की कथा में प्रेम हो जाए तो समझो कि सब कुछ सिद्ध हो गया। भगवान की कथा सुनते सुनते आप लोगों के हृदय का अहंकार दूर हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा और प्रेम हो जाने पर आपके हृदय में भगवान निवास करेंगे। भगवान के हृदय में आप लोग निवास करेंगे। प्रेम का फल अनिर्वचनीय है। प्रेमी के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं, प्रेमी के साथ भगवान रहते हैं। और एक सखुबाई की कथा आती है, महाराष्ट्र की एक सखुबाई थी, बड़ी भारी भगवान की भक्ता थी, लेकिन उसकी सास बड़ी कर्कशा ननद बली लड़ने वाली और उसका पति नास्ते, इसलिए बड़ा भारी उसको कष्ट था। बार करी यात्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी की हो रही थी, झुंड के झुंड पंडरी रात का दर्शन करने के लिए लोग जा रहे थे। सखुबाई के मन में हुआ कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं। दर्शन के प्रेम से उससे रहा नहीं गया और सब कुछ पानी भरने गई थी घरे को कुएं पर छोड़ करके और उस दल में शामिल हो गई। पंडरपुर को चलने लग गई। किसी ने जा करके कह दिया कि तुम्हारी बहू तो पंडरपुर को जा रही है। मैया ने लड़के को डांटा, लड़के ने आकर के सखुबाई को पकड़ा और मारते 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 घर को ले आया। देखा कि अब क्या करें, कहीं फिर न भाग जाए, इसलिए उसको एक खंभे से कस करके रस्सी से बांध दिया। कई दिन बंधे बीत गए, समय से भोजन और पानी भी उसको नहीं मिलता था, लेकिन सखु निरंतर भगवान का स्मरण करती थी, इसलिए भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण करने के वास्ते जब रात को सब सोए थे तो सखू का ही रूप धारण करके आई और बोली, देख मैं तेरी सखी हूँ और हम तुम पहले चंद्रभागा के नदी के तट पर कभी मिली थी, आज तुम्हारी हालत देख करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुमको खोल देता हूँ, अपनी जगह पर तुम हमको बांध दो। इस तरह से भगवान जो सखुबाई के रूप में आए थे असली सखुबाई को खोल दिया और स्वयं खंभे में बंध गए। सखुबाई पंडरपुर को दर्शन करने चली गई, दर्शन करके प्रेम में निमग्न हो गई और प्रेम पूर्वक दर्शन किया। कीर्तन करते करते पंडरपुर के भगवान के मंदिर के सामने अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान के धाम को चली गई। गांव का एक आदमी वहां मौजूद था, उसने देखा या तो हमारे गांव की बधू है, चंद्रभागा नदी के तट पर उसका अग्नि संस्कार कर दिया और घर में आकर के अब यहाँ इधर भगवान के बंधे बंधे कई दिन हो गए थे तो घर वालों ने उसको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद अब तो यह भगवान थे, सखुबाई के रूप से भगवान थे, भगवान सास की ससुर की पति की इस प्रकार सेवा करने लग गए, घर का सारा काम करने लग गए। और भगवान ने जब सेवा अपने ऊपर ले लिया तो घर के लोग बहुत संतुष्ट हो गए, सबकी नास्तिकता दूर हो गई, सबके मन में प्रेम आ गया।
अब तो साफ आएंगे, अब से मैं इस काम को कर लूंगी, मैं पानी भर लाऊंगी, मैं रोटी बना लूंगी। इस तरह से सखू बाई को सेवा पूजा करने का अवसर जो है वह मिलने लग गया। भगवान ने यह सब यहाँ कर दिया। उधर ब्राह्मण ने आकर के बताया कि तुम्हारी बहू पंढरपुर के मंदिर में मर गई और मैंने उसका संस्कार चंद्रभागा नदी के किनारे कर दिया। घर के लोग लड़ने लगे, अरे मेरी बहू मेरे घर में मौजूद है, तू मर जा तेरे घर की बहू मर जाए, हमारी बहू तो घर में मौजूद है, सब काम कर रही है। उसने आकर देखा कि एक सखू यहाँ मौजूद है, एक का मैं दाह संस्कार करके आया हूँ। ऐसा कहते रहे, उसको भगा दिया। अंत में सखू बाई के इस तरह से भगवत धाम चले जाने पर अब भगवान सखू बाई की जगह पर बंधे हैं। रुक्मणी जी को चिंता हो गई कि हमारे पति वहाँ स्त्री बन करके रह रहे हैं, घर का सब काम कर रहे हैं। तथा तो रुक्मणी बाई जी ने वहां जाकर के चंद्रभागा नदी के तट पर चिता से हड्डियों को एकत्र करके अपनी इच्छा शक्ति से कृपा शक्ति से सखू बाई को जीवित कर दिया और जीवित करके ला करके घर में उपस्थित कर दिया। अब वह सखू बाई जब आ गई तब भगवान को वहां से छुट्टी मिली, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। इस तरह से भगवान ने सखू बाई का रूप धारण करके और घर का सारा काम किया, बंधे भी रहे और सबका काम करके और फिर सखू बाई के लिए ऐसा वातावरण बना दिया कि भजन करने में किसी प्रकार का सखू बाई को संकट न हो। अब तो बड़े प्यार से घर के लोग सखू बाई के साथ सदव्यवहार करने लगे। सखू बाई भजन भी करती, सबके घर की जो है घर भर की सबकी सेवा भी करती। भगवान का यह स्वभाव है, जो कोई भगवान से प्रेम करता है अपने प्रेमी के अधीन भगवान हो जाते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके परिवार पर भी कृपा करते हैं। आपके बाद 4 बजे से पुनः इसी मंडप में आकर के कथा श्रवण कीजिए। श्री वृंदावन बिहारी की जय। जय श्री राम। चलो गाड़ी आई थी, गाड़ी जमी अरे कल तू कल फूल मारा गाड़ी मारा घूम क्या जो घूम भले मार बोलो परम पूज्य श्री गणेश Yeah.
हेलो भाई एक बाजू हस्तो आप जाओ चिंतन हुआ भगवान की कृपा से और अब इस बार दशम का केवल स्मरण किया जाएगा, एकादश का स्मरण किया जाएगा, बारहवें स्कंद का स्मरण किया जाएगा, जिसमें दशम और एकादश, एकादश उद्धव गीता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का उपदेश किया और विश्व में सर्वाधिक यदि किसी धर्म ग्रंथ की प्रतिष्ठा हुई है तो वस्तुतः गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किंतु श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जो श्री कृष्ण का और उद्धव जी का संवाद है उसका चिंतन करने के बाद और यह लगता है कि श्रीमद् भगवद् गीता वह महाभारत की गीता है और श्रीमद् भागवत महापुराण की गीता एकादश स्कंद है, इसलिए यह अधिक विशुद्ध है और अधिक इसमें आनंद है, अधिकाधिक भागवत धर्म का भक्ति का पोषण है। तो भागवत के अनुरूप जो ज्ञान है, भागवत के अनुरूप जो वैराग्य है और भागवत के अनुरूप जो प्रेम तत्व भक्ति तत्व है उसका अनुरूपण एकादश स्कंद में हुआ है। परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न है। अर्जुन को भगवान राधे राधे, जय श्री राधे। अर्जुन भाई तुम बहुत प्यारे इंसान, रसोईया के ले लो। से तस्वीर खिंचाई जाती है महाराज जी, तो आ जाते स्टील चित्र करके स्थिर करके वो तस्वीर आ जाती है। आ जाती है। हाँ।
थोड़ी सी राम 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 तो महाराज जी बोलते हैं सिर उठाओ नहीं तो कैसे सब दिखे पता नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है सब मुंह दिखाओ ऊपर आ जाएगा तो अरे ललित अरे मुंह दिखाओ सब खाली बाल आ जाएंगे बाद तो फिर बाद बाद इतना प्रणाम कर लेना फोटो जाते समय दिखाया बहुत अच्छा है।